हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। योर क्वेश्चन हियर 12, 15 एंड 21। ओके, इन सबका आप अलग अलग एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ। ओके, सो एलसीएम ऑफ 12, ये प्राइमरी क्लास में हम लोग कर चुके हैं, एलसीएम ऑफ 12। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 12 आपको ऐसा रहेगा, यू हैव टू चेक इन द टेबल विद द स्मॉलेस्ट टेबल इज 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर नंबर्स क्या है, 2, 2, 3। यहाँ पर आप लिख लीजिए एलसीएम ऑफ 12 में 2 × 2, 2 × 3। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज योर एलसीएम ऑफ 15। इसको भी सेम ऐसे एलसीएम मेथड यूज़ करिए। 2 के टेबल में 15 नहीं आएगा, मगर 3 के टेबल में आएगा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर लिखिए आप 3 × 5। ओके, नेक्स्ट एलसीएम ऑफ 21। 21 का एलसीएम आप यहाँ पर निकालिए, 2 के टेबल में 21 तो नहीं आएगा आपको, देन 7 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। 3 एंड 7 यहाँ लिखिए, 3 × 7। ठीक है, 3 × 7, दिस इज योर एलसीएम 15, 12, 15 एंड 21। अब इन सबका HCF क्या है? HCF इज नथिंग बट हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड वॉट इज LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक है, नाउ HCF आप ये देखिए कि इन तीनों में आपको कॉमन नंबर क्या है, 2, 2, 3। यहाँ पर भी 3 है, ओके, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 नंबर में कॉमन नंबर क्या है, 3। सो योर HCF इज 3। ओके, नाउ व्हाट इज योर एलसीएम, इनटू करिए आप पूरों को, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या है आपको, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7। मैं एक ही बार 3 के को लिख रही हूँ, क्योंकि आपको 3 इज योर HCF, तो 3 बार है तो आपको 1 टाइम लिखना है खाली। ठीक है, उन सबको आप इनटू अगर करेंगे, यू विल गेट द आंसर 420। क्लियर है? दिस इज योर एलसीएम, HCF एंड LCM। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।